फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाम एजुकेशनल एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के दो क्वेश्चन हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। ये नंबर्स दिए गए हैं, एक ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये नंबर है 32, 72, 38। इनके एलसीएम फाइंड करने हैं और दोनों मेथड आपको इसमें बताए देंगे। इसमें पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड एलसीएम फाइंड करने का डिवीजन मेथड यह है, सारे नंबर्स को एक बार लिखेंगे और उसके हम सारे फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 से फैक्टर करेंगे 28 को, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कॉमा 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 आए या उससे कम रहे, 2 2 जा 4 और 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16, फिर कॉमा लगाएंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 आए, 2 1 जा 2, 1 बचा, इसमें मिला लेंगे, ये हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 7 लिख लेंगे, कॉमा लगा देंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 14 आए, 2 7 जा 14, ये कॉमा लगा लेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 आए, 2 4 जा 8। उसके बाद 4 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद ये 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 7 डिवाइड नहीं होगा, फिर 4 डिवाइड होगा, 4 बन जा 4, फिर ये डिवाइड होगा 7 से, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, और ये सब यहाँ पर लास्ट में 1 1 आ गया। जब 1 1 7 लास्ट में आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे हमारा फ्रैक्शन जो हमारा जो है जो उसका गुणनखंड है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, सब कंप्लीट हो गया। अब जितने भी इसके फैक्टर्स आए हैं सारे फैक्टर्स हम लिख लेंगे, 2 2 2 4 7, तो एलसीएम हो जाएगा 2 2 2 4 7, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 की 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 214। ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन का है, 32 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 214। अब ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन दिया गया है, अब जितने भी डिवीजन मेथड से लगाएंगे, आपको जो मेथड पसंद हो आप उसे लगाइए, 32 72 38, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है। मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे, 32 के सारे फैक्टर्स राइट कर देंगे, उसके बाद 72 के सारे फैक्टर्स राइट कर देंगे, 38 के सारे फैक्टर्स राइट कर देंगे, फैक्टर आप करेंगे अलग, ये कॉपी है, कॉपी का पेज साइड में आप फैक्टर करेंगे, 32 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और उसके बाद में 1 72, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 होगा, ये इसका कंप्लीट हो गया। 38 का 2 19, 2 और 19 इसका फैक्टर आया, 19 2 जा 38, और कोई फैक्टर नहीं आएंगे। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 इसमें है, इसमें इसमें, ये कॉमन फैक्टर ये लिख लिया, ये फाइंड घट कर लिया। अब कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 2 2 बार है, इसमें 2 2 बार है, इसमें नहीं है, तो ये जो 2 बार मिल रहे हैं इनको भी लिखेंगे 2 बार, तो ये वाले 2, ये वाले 2, 4 बार हैं, लेकिन ये 2 बार ही लिखेंगे यहाँ पर, ये कॉमन फैक्टर था। अब ये वाले बचा, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये वाले 2 लिख लिए, ये वाला 3 लिख लिया, और ये 19 लिख लिया, सारे लिख लिए, सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब ये 32 हो गया, 32 के आगे हमको टेबल नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, 32 की और ये 3 3 जा 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ तक किया तो आया 32, और ये 3 3 जा 9, तो 32 की 9 से मल्टीप्लाई ये किया, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, यानी यहाँ से यहाँ तक ये मल्टीप्लाई किया वो आया 278, और 278 की 19 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, 278 की 19 से मल्टीप्लाई किया तो आया 5282। ये हमारा एलसीएम फाइंड हो गया मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों में आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से लगाइए। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपको दिया गया होगा कि ये जो नंबर्स गिवन है इनका एलसीएम फाइंड करिए, या दिए हुए नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। अगर आपको कंडीशन दे दी गई कि डिवीजन मेथड से फाइंड करना है या मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है, अगर डिवीजन मेथड से फाइंड करना है तो आप ऐसे लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है तो आप ऐसे लगाएंगे, सारे फैक्टर्स अलग अलग लिखेंगे। लेकिन अगर आपको कह दिया गया फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स और कोई कंडीशन नहीं है तो जैसे आपको इजी पड़े वैसे लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, एक ये नंबर गिवन है 48, 36, 46,
मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, सारे नंबर्स का अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। 48 का ये फैक्टर्स क्या, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया इसका 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1, ये लिख लिया। 36 का फैक्टर कर लिया, 2 8 जा 2 1 जा 2, और यहाँ पर एक 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 और ये 3 से कट होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी तरह 46 के फैक्टर्स करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 जो है ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 23 बन जाए 23। तीनों के फैक्टर हो गए 48 2 2 2 2 2 3, 36 या 2 2 3 3, और 46 के 2 और 23 23। अब इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड करिए, कॉमन फैक्टर है केवल ये 2, उसके बाद इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, बट इसमें नहीं है, तो कॉमन फैक्टर मिला हमको केवल 2, तो HCF हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है 16 72 48 सॉरी 84। सॉल्यूशन इसका डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, तो हम डिवीजन मेथड से जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हमें इससे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। हमने देखा वी फाइंड स्मॉल नंबर 16 और उसके बाद स्मॉल नंबर 72, तो सबसे पहले दो स्मॉल नंबर ले लेंगे, उनको आपस में डिवाइड करेंगे। 16 को 72 से डिवाइड किया, 16 4 जा 64, 72 से 64 को सब्ट्रैक्ट किया, 8 बचा। जब 8 बचा तो ये वाला 16 यहाँ पर आ जाएगा, डिवीजर बन जाएगा, 8 2 जा 16, और ये फाइनली कट हो गया 8 से। अब जो नंबर बचा है 84, उसको 8 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर बचता है उसको जिसमें जिस नंबर से ये लास्ट में फाइंड सॉल्व हुआ उसी नंबर से लास्ट वाला नंबर डिवाइड करेंगे। 8 10 जा 80, और बचा क्या 4, इस 8 को डिवीजर बना लेंगे, और ये डिवाइडेंड 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, ये फाइनली डिवाइड हुआ, ये तीनों नंबर जब डिवाइड किया गया फाइनली डिवाइड हुआ 4 से, तो HCF हो जाएगा 4। आई होप सारे समझ में आ गए होंगे, LCM और HCF बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, डिवीजन मेथड मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका भी मल्टीप्लिकेशन मेथड डिवीजन मेथड। अगर आपको एग्जाम पेपर में कंडीशन दी जाए तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बट अगर आपको कंडीशन नहीं दी गई तो आपको जो मेथड इजी पड़े आप उस मेथड से लगाएंगे। ओके, थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।